हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन द लास्ट ऑफ दिसंबर। हम चेक कर रहे थे कि दिसंबर जाते जाते आपको और मज़ीद क्या देखे जा रहा है। ये पार्ट टू है, पार्ट वन अपलोड हो चुका है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आने वाली तमाम वीडियोस को फर्दर बेसिस पे देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन टैरो 888 के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, बायो के अंदर मौजूद है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। बात हम कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपको पुल बैक करे, माजी की तरफ घसीटे, तो बिला वजह का रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक पहले इस पर्सन ने आपको बहुत अवॉइड किया है अपने मफाद के लिए, आपको शायद अपना पार्ट बनने के लिए मजबूर करे, मगर आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि आप अपना वो टाइम ज़रूर याद रखिएगा जिस वक्त आपको इस इंसान की ज़रूरत थी, जब इस इंसान ने क्या किया और ये कहाँ था, ये इंसान कैसा था, इसका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपसे छुपा हुआ है। मिस्टीजियम का कार्ड यहाँ पे लिटरली बता रहा है, जबकि आप जितनी परफेक्शन के साथ आगे बढ़े हैं, जितनी स्पीड से आपने ग्रो किया है, आपकी फैमिली के अंदर एक्सपेंशन आई है, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे छुपी हुई हैं। लिटरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लास्ट दिसंबर तक आपने एक डिसीजन बनाना होगा। इस इंसान की पूरी कोशिश होगी कि आप इसकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है, बट आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी की बातों में नहीं आइएगा, अपने बुरे वक्त को ज़रूर याद करिएगा, किस तरह आपने अपने आप को संभाला था, माफ़ करते वक्त ये सोच लिएगा माफ़ी हमेशा गलतियों की होती है, माफ़ी बिहेवियर्स की होती है, माफ़ी अपने मफाद के लिहाज से नहीं होती है। आप क्रिएटर हैं, आपकी बहुत बड़ी जर्नी है, आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, और इन द नियर फ्यूचर कि दुनिया आपके पीछे होगी, बस अपने काम पर फोकस करते जाएं। मौजज़ात होते हैं और मौजज़ात होते चले जाएंगे। एक हेल्पिंग हैंड्स जो कुदरत ने आपके लिए मुंतखब कर दिए हैं, वो हेल्पिंग हैंड आपको अब हेल्प आउट करते जाएंगे, कि अगर कभी आपकी चाहत नहीं भी होगी चांद को छूने की, तो इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, आप हर काम को जिस तरह परफेक्शन से करते हैं, जिस तरह आप छुपी हुई बातों को भी ढूंढ लेते हैं, जिस तरीके से मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर होते हैं, तो इन एनर्जी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, ये उसका मसला है, लेकिन आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, आपको किसी की बातों में नहीं आना। जिस तरीके से आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जिस तरीके से आप एक्सपेंशंस बिल्ड करते हैं अपनी लाइफ में, इसी सीक्वेंस में, इसी डायरेक्शन में आप चलते चले जाएँ और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। आई एम अबंडेंट, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ पावरफुल। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को सेंड करेंगे, तो जिस तरीके से मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं, और मज़ीद मिरेकल्स होते चले जाएंगे। अगर ये रीडिंग देख के किसी को ऐसा लगता है कि मैम हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ में वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हम अबंडेंट नहीं हैं, हमारे साथ मिरेकल्स नहीं होते, अपने आप पे फोकस करें। अगर आपके पास रहने के लिए छत है,
खाने के लिए ऑप्शन और चॉइसेस हैं, मेडिसिन के पैसे हैं, हैंग आउट करने के, फन फ्लर्ट करने के पैसे हैं। इट्स मीन यू आर अ अबंडेंट पर्सनैलिटी। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उन लोगों से पूछें जिनके पास खाने के लिए ऑप्शन और चॉइसेस नहीं होती, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। अगर खाएंगे तो दवाइयों के पैसे नहीं होते, दवाइयाँ खाएंगे तो खाने के पैसे नहीं होते। तो ये भी हमारी लाइफ में मेरिकल से कम नहीं है कि अल्लाह ताला से हम अगर उसकी सफ़ात के हिसाब से मांगते हैं तो वो अपनी सिफ़ात के हिसाब से हमें देता है। और आपके अंदर जो क्रिएटर का ऑप्शन है, जो आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर जाते हैं, हर चीज़ को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप उस चीज़ को कर गुज़रते हैं, उस पे कायम रहें। अगर कोई इंसान आपको ग्रीफ की एनर्जी में लेके जाता है, जस्ट लाइक कि अपने आप को विक्टम प्ले करे, आपके आपसे हमदर्दी भी समेट ले और आपको ब्लेम आउट भी कर दे, तुम ऐसे, तुम ऐसी, तुम वैसे, एक्स वाई जी, यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि इन द लास्ट ऑफ दिसंबर के लिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। ये आपके सिचुएशन से ज़्यादा मुझे आपके लिए गाइडेंस नज़र आई है आज की रीडिंग में। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज किसी और के लिए होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माई व्यूवर्स। इनके लिए लास्ट दिसंबर तक के लिए क्या गाइडेंस है? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देख लें, आपको दोबारा उस सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अगर आपको बोल्ड हो के कोई डिसीजन लेना पड़े अपने लिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, वट डू यू नीड टू रिलीज़? पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको रिलीज़ करें, लेट गो करें, आगे बढ़ जाएं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपकी फैमिली, जितने आप और आपके चाहने वाले हैं, वो सब सेफ हैं। आर टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको किसी गिल्ट में, किसी ग्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कितना भी ब्लेम आउट करता है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सक्सेस तक पहुँचाएगा, आपको कामयाबी तक पहुँचाएगा। और यही सक्सेस, यही कामयाबी मैं देखूंगी कि 2024 में आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगी, किस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएगी, किस तरीके से आपको अबंडेंट करेगी। और बहुत जल्द मैं चेक करूंगी कि 2024 ऑल ओवर पूरे एयर में आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर वीडियोस कर सकूं, ताकि आप लोग जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो कमी कहीं ना कहीं पूरी हो सके। आई होप सो कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। सो दिस इज़ इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।